जब एक्टिंग करता हूँ तो तब मैं सिर्फ एक्टर होता हूँ। बहुत ही अच्छा इंसान है, अच्छा बेटा है, पोता है, अच्छा पति बनता है। नहीं नहीं, एक्टिंग तो मैं बरसों से कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक्टिंग में मुझे क्या करना है। हर्ष एक ऐसा लड़का है जो हमारे किरदार में आयुष्मान के बहुत ही सटीक बैठता है। मैंने इनको समझाया कैरेक्टर क्या था, मेरे राइटर ने समझाया, एक के बाद एक कड़ी बैठती जुड़ती गई और हम प्रोड्यूसर बन गए डेली सोप के। ट्रू टू योर रोल एंड योर कैरेक्टर, तो अपने आप वो परफॉर्मेंस निकलती है। हर कोई थोड़ी देख रहा है ओटीटी, आप लिमिटेड टाइम देखते हो, अच्छा कंटेंट है तो देखते हो। कुछ नहीं करता, बस खाते रहता हूँ और खुश रहता हूँ। टीवी पे आ रहा था, लोग मुझे पहचान रहे थे, मैं 16.5 साल का था और इतनी छोटी उम्र में मैंने काम करना शुरू किया। बहुत बहुत हैंडसम आप लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगा किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं ये, क्योंकि तुम ही हो के लिए काफ़ी अच्छा प्रोमो है मैंने देखा यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच। लोग यही बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है प्रोमो सबको, कहानी कुछ अच्छी लग रही है, इनको समझ में आ रही है। अभी सेकंड प्रोमो जो हमारा आजकल में आ जाएगा तो वो और डिटेल में कहानी को एक्सप्लोर करेगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि लड़की की जर्नी क्या है काव्या शर्मा की। अच्छा, तो या सो फार सो गुड यार, नाइस, थैंक यू। यू नो लोगों के मैं कमेंट भी पढ़ रहा था लोगों के प्रोमो पर, काफ़ी लोगों ने कहा कि बहुत टाइम के बाद सर को देख रहे हैं ऐसा। तो लोगों का ये भी कहना है कि सर इतने दिन रहते कहाँ हैं और इतना काम क्यों करते हैं सर, जो जबकि लोग इतना आपको पसंद करते हैं। मेरा लास्ट शो था क्योंकि ये मुल्की मेरा ऑफर गया था, आई थिंक फरवरी में, मार्च में। हाँ, काफ़ी लंबी जर्नी तो नहीं हुई, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 9-10 महीने हो गए। हाँ, एक लंबा टाइम तो नहीं है लेकिन अलग इसमें व्यस्त था मैं, इसी शो में इसको डेवलप कर रहा था, इसको प्रोड्यूस करने के लिए चैनल से मीटिंग्स वगैरह। तो हमारा शो एक्चुअली ये डिले हो गया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, वो कास्टिंग हमारी टाइम से हो नहीं पाई। तो यस, बट फाइनली 12 दिसंबर को ये होने जा रहा है जी। सो इस बार प्रोड्यूसर भी आप बन रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एज अ प्रोड्यूसर, एक शो में काम करना, कैसे किस तरीके का मतलब कॉन्फिडेंस वो देता है? कॉन्फिडेंस तो देता ही है ऑफकोर्स, और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है प्रोड्यूसर की कि वो किस किस्म से हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व रहकर उसको अच्छी तरह से एक प्रोडक्ट बना पाए। और साथ में एक्टिंग भी कर रहा हूँ तो वो एक अलग, जब एक्टिंग करता हूँ तो तब मैं सिर्फ एक्टर होता हूँ, तब प्रोड्यूसर नहीं होता मैं, और ये दोनों जर्नी एक साथ करने में मज़ा आ रहा है। सो फार सो गुड, नो प्रॉब्लम्स एज सच। यू नो कैसे मेंटेन किया ये दोनों चीज़ों को, एज अ प्रोड्यूसर भी एज एन एक्टर भी, इन दोनों के बीच में कैसे मेंटेन किया अपने आप को, एक रियल एक्टर को निकालना उसमें से? नहीं नहीं, एक्टिंग तो मैं बरसों से कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक्टिंग में मुझे क्या करना है और कैसे करता हूँ मैं। एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक इट इज न्यू फॉर मी बट आई एम एंजॉइंग इट। यू नो जो भी कैरेक्टर आपने किया है वो हमेशा से एक मतलब एक अलग वाइब देता है, इसमें कैसा कैरेक्टर आपका होने वाला है, किस तरीके का ये जॉनर होने वाला है, कुछ बताएंगे? करण प्रताप सिंह, क्योंकि तुम ही हो जो नाम है सीरियल का, वो ऐसे लव स्टोरी बेसिकली, बट ये लव स्टोरी में जो दो लड़के लड़की का ट्रायंगल बनता है, इसमें जो करण प्रताप सिंह का जो मेरा किरदार है वो कुछ कुछ मिहिर जैसा बंदा है, बहुत ही अच्छा इंसान है, अच्छा बेटा है, पोता है, अच्छा पति बनता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में जो लड़की आई है वो एक मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाली, वो लड़की के आने के बाद दोनों की ज़िंदगी में, और साथ में जो थर्ड ट्रायंगल का तीसरा कोना जो है वो आयुष्मान है, वो कैसे इन तीनों की ज़िंदगी, उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार वालों का जो एक उथल पुथल पूरा हो जाता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, किसने किया है, वो एक लड़की कौन से चैलेंजेस को ओवरकम करती है और कैसे वो कर पाती है नहीं कर पाती है, वो एक पूरी जर्नी है काव्या शर्मा की और उसके साथ जुड़े लोगों की। तो एक बहुत ही डिफिकल्ट किस्म की लव स्टोरी है ये। यू नो उसमें इस शो में प्रियंका और हर्ष भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनके साथ काम कर कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, कुछ उस बारे में बताइए। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पंक्चुअल है, टाइम पे आते हैं एज ए प्रोड्यूसर इफ आई टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली हर्ष ने तो बहुत काम किया है टीवी में। हर्ष एक ऐसा लड़का है जो हमारे किरदार में आयुष्मान के बहुत ही सटीक बैठता है। वो एक हैप्पी गो लकी लड़का भी है, जब वो दुखी होना होता है तो वो उसके साथ हम जुड़ जाते हैं इमोशनली,
लड़की के दोनों फेसेस में, जैसे अभी वो एक मिडिल क्लास की लड़की एक प्ले कर रही है, और जब वो शादी करके बड़े घर में भी आएगी तो वो उस किस्म की भी वो लगती है. तो दोनों उसके फेसेस हैं जो फिट बैठ रहे हैं. एक्टिंग अच्छी कर रही है, एवरीडे वो इम्प्रूव हो रही है, डायलॉग अच्छी तरह से बोलती है, जल्दी काम करती है, वो समझ जाती है सीन्स जो डायरेक्टर समझाता है. तो आई थिंक ओवरऑल हर्ष और प्रियंका काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं, टाइम पे आते हैं, अच्छी तरह से सीन करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्टर जो कहता है उसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं दोनों. तो आई थिंक मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने, बहुत ही प्रोफेशनल है दोनों. आप एज अ सीनियर एक्टर कभी कुछ उनको बताते हैं, कुछ टिप्स देते हैं कि सीनियर एक्टर? बट या मैं एज ए प्रोड्यूसर, मैं स्क्रिप्ट में बहुत इन्वॉल्व था, क्रिएटिवली बहुत इन्वॉल्व था इसमें. तो मैंने इनको समझाया कैरेक्टर क्या था, मेरे राइटर ने समझाया. और सेट पे जब राइटर नहीं होते हैं तो कुछ डायरेक्टर से कुछ 19-20 हो जाता है कभी, कुछ डायरेक्टर कहीं और इन्वॉल्व हो तो कभी मैं एक दो छोटी बात बता देता हूँ कि ये कैरेक्टर कैसा है. तो ज़्यादा मैं नहीं बताता, मेरे डायरेक्टर हैं वो बताते हैं. बिल्कुल. तो आई थिंक ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती इनको. यू नो एज अ प्रोड्यूसर आप इससे आप डेब्यू करें एज अ प्रोड्यूसर, कैसे आपने सोचा कि इससे प्रोड्यूसिंग कर, मतलब प्रोड्यूसिंग की जर्नी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही हो से और शिमारो के साथ ही क्यों ऐसा? आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर, मतलब मेरे पास एक कहानी थी जो मैंने डेवलप की थी मेरे पार्टनर सोहेल जैदी के साथ मिलकर. और ये कहानी को बनाते बनाते हमको ऐसा लगा कि ये बहुत ही अलग डेली सोप हो सकता है. नॉट एग्जैक्टली 100% लव स्टोरी, बट ऑफकोर्स ए फैमिली ड्रामा एज वेल, बट नॉट सास बहू ड्रामा. तो ये अलग किस्म का एक बहुत अच्छा लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इंटरेस्टिंग ड्रामा बन रहा है. तो वो हमने जब शेमारू में, हमारे कुछ जानने वाले थे, हम उनके साथ काम भी कर रहे थे शेमारू के लिए, क्राइम वर्ल्ड वगैरह, तब उनसे बात करते करते एक बार एक मीटिंग में हमने ये बताया कि हमारे पास कहानी भी है जो आपका डेली सोप की. तो उन्होंने बोला सुनाओ, हमको सुनाई तो उनको बहुत अच्छी लगी. और फिर आगे बात बढ़ती गई और एक के बाद एक कड़ी बैठती जुड़ती गई और हम प्रोड्यूसर बन गए डेली सोप के. तो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था, नाम हमने कहीं फोर्स किसी को किया या उन्होंने, एक बात से बात निकली और आगे तक पहुँच गई. सो इनकी कास्टिंग कैसे हुई, हर्ष और प्रियंका की कास्टिंग कैसे हुई, कैसे आपके माइंड में आया कि इनको कास्ट करना चाहिए? और या हर्ष, मैंने बताया पहले आपको कि हर्ष को हमने जब ढूंढा तो आई थिंक एक ऐसा लड़का चाहिए था जो दोनों किरदार कर पाए. तो वो बता दिया मैंने अभी आपको. अच्छा. सो आपसे ये भी जानना चाहेंगे साथ ही, आपने फिल्म में भी काम किया हुआ है, टीवी में भी आपने काम किया हुआ है, क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं, मतलब एज एन एक्टर क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं? एज एन एक्टर तो कोई डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं. एक्टर हैज़ टू बी ट्रू टू द सब्जेक्ट, टू द कैरेक्टर, टू द स्टोरी. मीडियम अलग अलग है लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत एक्टिंग में डिफरेंसेस नहीं होते हैं. वो एक यू हैव टू बी ट्रू टू योर रोल एंड योर कैरेक्टर, तो अपने आप वो परफॉर्मेंस निकलती है, चाहे वो टीवी हो या वेब सीरीज हो या फिल्म हो या कुछ भी हो, तो उसमें ज़्यादा वो फर्क नहीं होता. यू नो आजकल जो लोग हैं वो रियलिटी शोज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग फिल्में कम देख रहे हैं, ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म से चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं, रियलिटी शोज़ ज़्यादा देख रहे हैं. आप मानते हैं ऐसा कि रियलिटी शोज़ के प्रति लोगों का जो उत्साह है, जो इंटरेस्ट है, वो बढ़ गया है? हाँ, लेकिन टीवी की ऑडियंस भी तो है आज. टीवी की ऑडियंस भी बहुत बड़ी है आज, टायर टू सिटीज़ में, मुंबई में टीवी देखने वाले बहुत हैं. हर कोई थोड़ी देख रहा है OTT. OTT आप लिमिटेड टाइम देखते हो, अच्छा कंटेंट है तो देखते हो. टेलीविजन तो बहुत लोग देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं. टेलीविजन इज स्टिल ह्यूज, बहुत बड़ा है. करेक्ट. और रहेगा, कई सालों तक रहेगा. यू नो इतने सालों से हमने आपको देखा है टीवी पे, वो हैंडसमनेस आपकी अभी तक बरकरार है. जानना चाहेंगे कैसे फिट रखते हैं आप, क्या करते हैं डेली रूटीन में आप? कुछ नहीं करता, बस खाते रहता हूँ और खुश रहता हूँ. और कुछ नहीं करता हूँ, काम करता हूँ बस. अच्छा, यही राज है शायद. अच्छा, एक बात मैं हमेशा से, मतलब एज अ फैन आपसे पूछना चाहता था. एक एड, जैसे बिस्किट की एक एड थी आपको, जहाँ से रिकग्नाइज किया गया था, एक वहाँ से डायरेक्टर ने सोचा कि नहीं ये बंदा है. क्रंचिट ब्रिटानिया. हाँ. कभी सोचा था कि ऐसे भी लाइफ चेंज हो सकती है? कभी नहीं. ऐसा कभी आपने नहीं सोचा? गॉड इज काइंड. और जब Thank audience is kind. और जब आपको मिला, यानी कि जब आपको ऑफर किया गया कि हाँ ये बंदा के अंदर, ये बंदे के अंदर टैलेंट है, क्या रिएक्शन था उस समय? आपने दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था? एक बार मेरा पहला शो था, बहुत खुश था मैं. बहुत खुश था मुझे पहली बार एक्टिंग करने का, एक्टिंग सीखने का मौका मिला. आनंद महेंद्रू डायरेक्टर थे हमारे, उनके अंडर में बहुत पॉपुलर शो था. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मौका मुझे मिला, मैं बहुत खुश था. टीवी पे आ रहा था, लोग मुझे पहचान रहे थे, मैं 16.5 साल का था.
और इतनी छोटी उम्र में मैंने काम करना शुरू किया और इतना पॉपुलर शो था तो बहुत मज़ा आया काम करके और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई टीवी की, तो आज तक चल रही है. God has been kind to me, so I'm very happy. क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, जब आपको बताया गया, मैंने एक इंटरव्यू में आपके देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं बोला सर से मिलूंगा तो एक बार जरूर पूछूंगा. क्योंकि आपको नाम थोड़ा सा अटपटा सा लगा था, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही बहुत बड़ा नाम था, तो कैसे आपने सोचा कि उसे हाँ करना चाहिए? रोल मेरा इंटरेस्टिंग था उस वक्त. मिहिर वीरानी एक बहुत ही अलग रोल था और एकता कपूर ने कहा कि ये हीरो है हमारे शो का और ये पूरी कहानी इस पर डिपेंड है. भले ये नामों में ऐसा लग रहा है लेकिन वो ये लड़के की जर्नी है, साथ में ये लड़का मिहिर और तुलसी की जर्नी है बेसिकली, और साथ में सब इन्वॉल्व. तो आई थॉट कि ये रोल बहुत अच्छा है, मुझे ये करना चाहिए. एंड कमिंग फ्रॉम बालाजी टेलीफिल्म, एकता कपूर जो इतनी अच्छी मेकर हैं, इतनी इंटेलिजेंट मेकर हैं, उनके साथ काम करने का मौका जब मुझे मिला और इतना बड़ा शो था, स्टार प्लस जैसा चंदन मेरे साथ था, तो आई थिंक आई वाज सुपर हैप्पी. सुपर हैप्पी. लोग आज भी, मेरी मम्मी भी देखती थी आपके शोज, बहुत सारे लोग भी आज भी लोग आपको मिहिर के नाम से जानते हैं. अब कितना बड़ा वो नाम, वो रोल आपके लाइफ में कितना बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ कर गया है, लोग आप मानते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस रोल ने आपको छोड़ के गया है आपके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, लाइफ चेंज हो गई हमारी सबकी. तो मिहिर ने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, काफी बड़ा हिट शो था. थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि आपको इतने सालों से इतना प्यार दिया है? हाँ, आपने इतना प्यार दिया है मुझे, अब तक आपके बदौलत मैं टीवी में काम कर रहा हूँ, फिल्मों में काम कर रहा हूँ, कुछ वेब सीरीज भी करूँगा, तो आई थिंक आपकी बदौलत है. थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे प्यार दिया. बट एज ए प्रोड्यूसर, मैं फर्स्ट टाइम एज अ डेली शो का प्रोड्यूसर मैं लॉन्च हो रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर, और आप ये शिमारो उमंग पे 12 दिसंबर से मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे देखिए इसे, और मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल पे आके मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रोडक्शन कैसा लगा, मेरे किरदार कैसे लगे, मेरी कहानी कैसी लगी, और ये कहानी आपसे जुड़ी हुई लगी ना लगी, कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्या ना पसंद आया वो भी बताइए, और अगर क्या आप देखना चाहेंगे वो भी बताएंगे, तो हम हमारे कहानी में उसे इनकॉर्पोरेट करने की बहुत कोशिश करेंगे और करेंगे भी. तो आप प्लीज़ इसे हमें रिस्पॉन्ड कीजिए कि कैसा लगा आपको. तो लेट अस नो 12 दिसंबर को आप शिमारो उमंग पे जरूर देखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.